Welcome to our YouTube channel Senra Advanced Education. Today we will study of Mathematics Class 8 और आज की हमारी exercise है 2.5. Today our exercise is 2.5 exercise में हमें दिए गए हैं कुछ questions जिनका निकालना है हमें square root. तो इस तरह के question में देखिए हमें एक साथ two numbers दिए गए हैं. क्वेश्चन नंबर वन अगर हम देखें तो 441 अपॉन 961 का निकालना है हमें स्क्वायर रूट. तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, राइट? दोनों का स्क्वायर रूट एक साथ हम लेते हैं और अलग अलग स्क्वायर रूट निकाल करके ओके, और फिर जो भी हमारे पेयर जितने बनते हैं पेयर में से एक एक पेयर करके हम बाहर ले आएंगे, राइट? तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर थ्री में दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम फर्स्ट लाइक फर्स्ट है. थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है 4 होल 29 अपॉन 49. तो इस तरह के हमें जो क्वेश्चन दिए गए होते हैं यानी कि हमें मिक्स फ्रैक्शन में जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसे हम पहले चेंज करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में, ओके? सबसे पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में उसको चेंज करेंगे. जैसे कि 4 होल 29 अपॉन 49 है तो इसमें करना क्या है, 49 के मल्टीप्लाई 4 में करके 29 को ऐड कर देंगे तो ऊपर नंबर आ जाएगा और अपॉन में 49, फिर उसका निकालेंगे हम स्क्वायर रूट. तो इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसे ही करना है, पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ओके. 6 में भी सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 7, 8 सभी को पहले हम कर लेंगे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज लाइक दिस. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर वन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, क्वेश्चन नंबर वन इज दिस. सो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें एक फॉर्मूला हमारे पास होता है रूट का. अगर हमारे पास एक है अंडर रूट ए और दूसरा है अंडर रूट बी, यानी कि दोनों की आपस में हो रही है मल्टीप्लाई, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी, दोनों ही अलग अलग नंबर है, दोनों पे रूट लगा हुआ है, ओके? तो रूट ए की मल्टीप्लाई जब रूट बी में होती है तो इसका मतलब क्या है, हम दोनों पे एक साथ रूट लगा लेते हैं और ए मल्टीप्लाई बी, ये हमारा फॉर्मूला है, राइट? दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या है, अगर हमारे पास अंडर रूट ए है और दूसरा अंडर रूट बी अपॉन में है, राइट? अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को एक साथ अंडर रूट में लिख करके ए अपॉन बी, ये हमारा दो फॉर्मूले हैं जिनका हमें ध्यान रखना है. इसमें रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी इक्वल टू दोनों का एक साथ रूट लेकर के ए मल्टीप्लाई बी, दोनों इस रूट में अंदर आ जाएंगे. या फिर दूसरा है अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी का मतलब क्या है, दोनों का एक साथ हम रूट ले लेंगे और ए अपॉन बी, राइट? सो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व. क्वेश्चन हमारा 441 का अपॉन 961 कर लेना है स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर रूट का साइन ये होता है, ओके? इसे हम फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे. तो इस तरह के क्वेश्चन को करने में हमें सबसे पहले क्या करना है, 441 का स्क्वायर रूट अलग ले लें और 961 का अंडर रूट स्क्वायर रूट हम अलग कर लेते हैं. 441 का करना है हमें स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट करना आपको आता ही है, राइट? इस तरह से हम करेंगे. देखिए लास्ट से बनाते हैं हम पेयर, जैसे 41 का एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया कितने का, अब आगे तो पेयर बनेगा नहीं, ओके? 4 एज इट इज. तो अब हम चला रहे हैं एक नंबर से करना है इसको डिवाइड, कितने टाइम्स तो चलेगा नंबर, 2 2 4 ये 2 से हो जाएगा, 2 2 4 तो इसकी बार जाता है, हम ऊपर लिखते हैं और 4 को हमने लिखा नीचे. 4 में से 4 माइनस हुआ तो क्या बचा, 0, कुछ नहीं बचेगा, राइट? ऊपर से यहाँ पेयर उतारते हैं तो पेयर कितना है हमारा, 41, राइट? एक हमने पेयर लिया तो कितने का है वो, 41 का पेयर है. अब इसका कर देंगे हम कितना, डबल ऊपर वाले का, तो 2 2 4 यहाँ पर हो गया, राइट? और अब इसको चलाएंगे यहाँ पर 4 में, तो 4 1 4 वन टाइम चलेगा, तो 1 हमने ऊपर लिखा और 1 ही हमने यहाँ पर नीचे लिख दिया. अब 1 से करेंगे मल्टीप्लाई इसमें, तो 1 1 जा 1 और 1 4 जा 4,
तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं बचा आगे, कोई नंबर भी नहीं जो जिसे हम नोट करेंगे। तो हमारा इसका जो स्क्वायर रूट है कितना आया, कितना हो गया, ऊपर वाले का तो हो गया 21। अब यहाँ पर हम स्क्वायर रूट ही लगाएंगे, ऐसे हम निकालेंगे 9961 का। तो 961 का कितना होगा करते हैं देखिए, लास्ट हमने बनाया पेयर, 61 का पेयर बन गया है, 9 एज इट इज है, तो 3 3 9। ओके अब यहां से क्या करेंगे हम, अब उतारेंगे 61 को, आगे तो इसमें कुछ बचेगा नहीं, 3 का करेंगे डबल, तो 3 का डबल कितना हो जाता है, 3 2 6 राइट। अब 6 को चलाएंगे इसमें, तो 6 1 जा 6, 1 टाइम चल गया, और 1 को हम यहां भी लिखेंगे राइट, ऊपर भी लिखते हैं, फिर इसके पास में राइट साइड में भी हम 1 को लिखेंगे। अब 1 से करेंगे 61 में मल्टीप्लाई, तो 61 बन जा 61। नीचे कुछ नहीं बचा, आगे कोई नंबर नहीं है, तो इसका जो स्क्वायर रूट हो गया कितना हो गया 31। तो 961 का स्क्वायर रूट कितना हुआ, 31 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल सेम है, इसी तरह से आपको करना है, स्क्वायर रूट लेना है दोनों नंबर्स का। ओके अलग अलग हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और बाद में एक साथ इसे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है, सिंपल फ्रैक्शन करना है, और सिंपल फ्रैक्शन होने के बाद में फिर बिल्कुल वैसे ही आपको क्वेश्चन करना है, स्क्वायर रूट निकालना है राइट। अप टू 10 11 12 बिल्कुल सेम है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, अंडर रूट या स्क्वायर रूट 0.0196 का हम निकालेंगे स्क्वायर रूट क्या होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, बाकी 14, ओके 15 भी बिल्कुल हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है, 16 भी 17 भी, ओके 18 में हम एक साथ मल्टीप्लाई करके इसको, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था, ए मल्टीप्लाई अंडर रूट स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर रूट ए इंटू बी, तो वैसे ही आप फाइंड करेंगे इसको। 19 भी ऐसे ही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 13 है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.0196 का हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब देखिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू हमारा जो 0.0196 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर जीरो हम हटाएंगे, देखिए जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता अपॉन में 1 होता है राइट। अगर इस नंबर के अपॉन में कुछ नहीं है तो अपॉन में क्या है, 1 है। यहाँ से जब हम जीरो हटाएंगे तो इसके राइट साइड में जितने भी डिजिट हैं 1 2 3 4 जितने भी डिजिट राइट साइड में होते हैं पॉइंट के, पॉइंट हटने के बाद में उतने ही हम जीरो लगा देते हैं अपॉन में, तो 1 2 3 एंड 4 हमारे जीरो आ गए, सभी का निकलेगा स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालना है हम किसका, इक्वल टू देखिए स्टार्टिंग में जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है क्योंकि पॉइंट हटा चुके हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 196 अपॉन में 10,000। इसे निकालना है हमें स्क्वायर रूट, इसका हम अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे राइट। इसका मतलब क्या है, 196 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 10,000, क्योंकि ये हमने फॉर्मूला रीड किया था, क्या था फॉर्मूला हमारा, अगर हमारा ऊपर स्क्वायर रूट ए है अपॉन में स्क्वायर रूट बी है तो हो जाएगा होल स्क्वायर रूट ए अपॉन बी, तो उसी फॉर्म में हमने लिखा हुआ है। अब इसका स्क्वायर रूट अलग निकालना है, इसका अलग निकालना है, बात वही है। तो निकालेंगे 196 का स्क्वायर रूट, तो पेयर बनाएंगे, 96 पेयर बन गया, 1 बच गया है, तो 1 1 जा 1, ओके आगे उतारा हमने 96, 1 का डबल कर दिया 2 हो गया, एंड 2 4 जा 8, 4 ऊपर लिखा 4 हम यहाँ लिखेंगे राइट, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, एंड 4 2 जा 8 और 1 9, आगे कुछ नहीं बचा, आगे कोई पेयर भी नहीं है राइट। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 14। 196 का मतलब क्या लिखेंगे, 14 अपॉन, ऐसे ही इसका स्क्वायर रूट करना है। आपकी आसानी के लिए मैं बता दूं, अगर 1 के आगे 20 40 60 है तो 0 के आधे कर देना केवल, अगर 40 है तो 1 लगा करके केवल 20 लिख दें, वो हमारा स्क्वायर रूट होगा इसका राइट, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं।
ओके आसान तरीका है, अगर स्क्वायर रूट में है 1 के आगे 2 जीरो है तो 2 के आगे कितनी होती है 1, तो 1 के आगे 1 जीरो लगा दो 10 का स्क्वायर होता है 10, 10 जा 100। ऐसी अगर हमारी 4 जीरो है तो 4 जीरो के आगे कितनी हो जाएंगी 2 जीरो, तो 1 के आगे 2 जीरो लगा देंगे क्योंकि 100 स्क्वायर यानी कि 100 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 10,000। देखिए 10,000 को हम निकालेंगे भी तो कैसे निकलेगा, 100000। ओके पेयर बनाया हमने राइट, तो यहाँ से 1 का पेयर बन गया है क्लियर। तो यहाँ पर 1 बचा हुआ है, 1 बन जा 1, अब नीचे कुछ नहीं बचा, एक पेयर यहाँ से उतारा, पेयर जब भी हम नीचे उतारते हैं तो ऊपर एक जीरो लगती है राइट, एक पेयर हम यहाँ से फिर से उतारेंगे, एक और बचा हुआ है ना, इसका डबल हो गया है और 2 इसमें चलेगा नहीं, तो यहाँ से एक पेयर और एक पेयर, दो पेयर हमने उतारे हैं तो 2 जीरो यहाँ बचे, तो क्या हो गया हमारा 100 इज द, तो 14/100 इज द आंसर। इसे आप आगे भी सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, दूसरे ही कट जाएगा। ओके ओके अब इसे हमें क्या करना है, आगे से और सॉल्व कर सकते हैं 14/100। तो नीचे देखिए जितनी जीरो होती है 1 2 2 जीरो है, अगर हम 2 जीरो को कट करेंगे, यहाँ 1 के आगे 2 जीरो है, 2 जीरो कट करेंगे इसको, तो हमारा जो पॉइंट होता है फिलहाल यहाँ पर 14 के बाद है, तो ये जो पॉइंट है क्योंकि जिस नंबर के बाद कुछ नहीं होता वहां पर पॉइंट लग जाता है, 0 0 होता है, तो ये जो पॉइंट उठ करके हमारा कितना 1 2 जितनी भी नीचे जीरो होंगी उससे डिवाइड हम करेंगे, तो पॉइंट उतना ही हमारा राइट टू लेफ्ट उतने ही डिजिट खिसक जाता है जितनी नीचे जीरो होती है, तो कितनी जीरो है 1 एंड 2, तो यहाँ पर पॉइंट खिसकेगा शिफ्ट होगा राइट से लेफ्ट की तरफ 1 2 डिजिट, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा पॉइंट, इसे हम लिख सकते हैं दिस, तो ये आंसर होगा हमारा 0.14। हमेशा ध्यान रखें जब हमारे जीरोस की मल्टीप्लाई यानी कि 1 के आगे जितनी जीरो होती है उसकी मल्टीप्लाई हम करते हैं तो पॉइंट हमारा लेफ्ट से राइट उतने ही डिजिट शिफ्ट होता है जितने ऊपर जितने नीचे जीरो, जितने ही जीरो की मल्टीप्लाई हो रही है राइट, और अगर जितने ही 1 के आगे जीरो से हमारा जितनी नीचे जीरो होती है उससे अगर डिवाइड होता है तो हमारा जो पॉइंट है वो राइट टू लेफ्ट उतने ही प्लेस शिफ्ट होता है जितनी जीरो नीचे दी गई। ओके सो मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट हमारा लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होगा उतनी ही डिजिट जितनी जीरो होंगी, और अगर डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हमारा राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होगा उतने ही डिजिट जितने हमारे जीरो से डिवाइड होगा।